प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube ऐप एंड सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है इंडिया इज भारत पे। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियो में आप देखेंगे भारत की बेटी और सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील नाजिया लाई खान जी और पाकिस्तान की मशहूर यूट्यूबर शैला खान के बीच में एक जबरदस्त और तीखी डिबेट। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और मजा आएगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके से लेटेस्ट इंपॉर्टेंट और दमदार वीडियो लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद जय भारत। हमारे पूर्व रॉ एजेंट विकास यादव के ऊपर ये कहर नाजिल हुआ है और अभी बात जो है वो अंडर प्रोसेस है, अंडर लीगल प्रोसेस है। पन्नू मरा भी नहीं है तो इसलिए हत्या के चार्जेस एफबीआई लगा भी नहीं सकता है और अभी अंडर ट्रायल और अंडर हियरिंग और अंडर प्रोसेस ये मामला चल रहा है। तो एफबीआई अचानक से जो ये बात बोला है ठीक उसी तरीके से जैसे जस्टिन ट्रूडो को 48 घंटे पहले अपने कनाडा के पार्लियामेंट में खड़े होकर के बोलना पड़ा कि नेचर मरा तो लेकिन उसका कोई प्रूफ हमारे पास नहीं है कि हम भारत को एलिगेशन लगा सके। उसी तरीके से कल को ऐसा ना हो कि बिडेन साहब को भी माफी मांगनी पड़े और अपने पार्लियामेंट में खड़े होकर के बोलना पड़े कि पन्नू मरा तो नहीं है लेकिन हम एलिगेशन भारत के ऊपर नहीं लगा सकते हैं बिना किसी प्रूफ के। तो ये दिन भी आएगा, आप लिख लीजिए। ठीक है, लेकिन नाजिर जी ये बात तो आपको माननी पड़ेगी कहीं ना कहीं कि ये जो रॉ की इन्वॉल्वमेंट है टारगेट किलिंग में, क्योंकि भारत तो उसको मोस्ट वांटेड टेररिस्ट मानता है। जैसे हमारे मुल्क के अंदर 22 से 23 लोगों को इस तरह टारगेट किलिंग का निशाना बनाया गया और कहीं ना कहीं इंडिया ने ढके छुपे अल्फाजों में इसको एक्सेप्ट भी किया है कि भाई ये हमारे मुल्क के जो थे आतंकी थे, आपके मुल्क के बेशक सिटीजन थे, हमने जो है इनको जो है उड़ाने ही उड़ाना था। और जब जब कोई मोस्ट वांटेड टेररिस्ट भारत की लिस्ट वाला दुनिया में कहीं ना कहीं टारगेट होता है तो वहां पर लिखा जाता है लो जी रॉ ने ठोक दिया और घर में घुस के मारेंगे। तो कहीं ना कहीं पे तो इशारे भारत से भी तो जाते हैं ना। अब जैसे पाकिस्तान में होना, कनाडा के अंदर निज्जर का मारा जाना, पन्नू के ऊपर जो है अटैक्स होना, तो आखिर इन सब का ताल्लुक तो इंडिया से ही जुड़ता है। नहीं नहीं, खालिस्तान कौन आप खालिस्तान से देखे, खालिस्तान की मूवमेंट से प्रॉब्लम पाकिस्तान को भी नहीं है, यूएस को भी नहीं है, कनाडा को भी नहीं है, क्योंकि ये भारत को इससे प्रॉब्लम है ना। तो अगर इससे रिलेटेड कोई भी लीडर मारा जाता है तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली शक तो उधर ही आएगा ना कि शायद भारत ने किया होगा। क्या शक पर आप किसी को गुनहगार ठहरा सकती हैं? लेकिन इंटरेस्ट भी तो जुड़े हैं ना। चलो लेट मी कंप्लीट, आपका सवाल मैंने ले लिया। मुझे पता है कि आप प्रो पाकिस्तानी एंकर हैं, मैं जानती हूँ इस बात को, और आप अपने पाकिस्तान को बहुत मोहब्बत करती हैं, लेकिन आपको ये मानना पड़ेगा कि आपका पाकिस्तान अवाम के लिए कुछ नहीं करता है लेकिन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत कुछ करके देता है। आप किसी को शक की बुनियाद पर आप किसी को कसूरवार तो नहीं ठहरा सकती ना, ये तो पॉसिबल नहीं है। आपके पास क्या प्रूफ है कि भारत में जिसने आतंक मचाया उसमें से 28 या 29 आतंकवादी पाकिस्तान में मर गया? अब आप क्या अपनी कमजोरी जाहिर कर रही है? अमेरिका और कनाडा क्या अपनी कमजोरी जाहिर कर रहा है और भारत को बहुत ताकतवर साबित करने की कोशिश कर रहा है? भारत का आदमी जाकर के कनाडा में निज्जर को मार देता है और जस्टिन ट्रूडो की सरकार कुछ नहीं कर पाती। भारत का एक पूर्व रॉ एजेंट अमेरिका में जाकर के पन्नू को मार गिराता है और अमेरिका जो इतना पावरफुल है पूरी दुनिया में वो कुछ नहीं कर पाते हैं। पाकिस्तान में भारत का व्यक्ति एंटर करके पाकिस्तान के 28-29 टेररिस्ट को मार गिराता है, कभी छाती पर गोली डाल देता है, कभी माथे पर गोली डाल देता है और पाकिस्तान की सरकार चूड़ियां पहन करके बैठी रहती है। मैं ट्रूडो के लिए भी पूछूंगी कि बिंदिया लगाते हो क्या? मैं जो बिडेन के लिए भी पूछूंगी आलता लगाते हो क्या? और मैं पाकिस्तान के लिए भी पूछूंगी कि चूड़ियां पहनते हो क्या? तब तो इसका मतलब है कि इस पूरी दुनिया में भारत के जितना डिफेंस किसी का भी मजबूत नहीं है, इस पूरी दुनिया में भारत के जितना फॉरेन मिनिस्ट्री किसी का भी मजबूत नहीं है। तब तो फिर मुझे ये मानना पड़ेगा कि भारत की जितनी मिलिट्री और आर्मी जितनी मजबूत है उससे ज्यादा मजबूत किसी पूरी दुनिया में नहीं है। मतलब एक तमगा लेकर के अमेरिका घूम रहा है क्या कि वो बहुत मजबूत है, वो बहुत मजबूत है? भाई हमारा एक पूर्व रॉ एजेंट, पूर्व, जिसको भारत की सरकार ने कह दिया, घोषणा कर दिया कि अब वो हमारा रॉ एजेंट है ही नहीं, उसने जा करके पन्नू को मार गिराया और अमेरिका चूड़ी पहन करके बैठ के देख रहा था।
तो आप लोग बहुत कमजोर हैं, या तो ये मान ले, कनाडा मान ले, पाकिस्तान मान ले और अमेरिका भी अब मान ले, और भारत बहुत इस दुनिया में सबसे ज्यादा शक्तिशाली है ये मान ले, और या तो फिर पाकिस्तान, कनाडा और अमेरिका सबूत सामने रख दे। बिल्कुल, बात तो सबूतों की है, लेकिन भारत की अगर रॉ की बात करें तो कहीं ना कहीं पे ये खबर आपके कान से भी गुजरती है कि रॉ के साथ मुसाद मिलके काम करती है, जब बड़े बड़े ऑपरेशन जब होते हैं तो वो चीज तो है। और जहां तक सबूत की बात है, हम भी यूनाइटेड नेशन में ही चिल्लाते रहे कि भारत ने किया, और भारत ने सिंपल बोला कि प्रूफ दिखाओ, तो एक्चुअली आपका मिशन इतना सीक्रेट होता है कि वो सबूत नहीं छोड़ता आपने। मसला तो सारा यही है, ये जस्टिन ट्रूडो का मसला भी यही है। शैला खान जी, इसका मतलब है कि पाकिस्तान ने बंद अल्फाज में ये मान लिया है कि भारत बहुत ही ज्यादा मजबूत देश है और वो सीक्रेट प्लान करके अपने सारे आतंकवादियों को मार गिराएगा और उसके खिलाफ कोई प्रूफ कोई भी देश नहीं दिखा पाएगा, ये मान लिया है पाकिस्तान ने। इसका तो ये मतलब है, क्योंकि जस्टिन ट्रूडो ने मान लिया है। मतलब तो इसके बहुत से हैं, लेकिन ये चीज हम इस चीज को बहुत प्रेस करेंगे कि भारत अपने जो मिशन है बहुत सक्सेसफुली कर रहा है, और इसके साथ साथ बहुत स्मार्टली आगे मूव कर रहा है, और अपने लोगों के जो कहते हैं ना, जिन जिन लोगों को उसको चाहिए कि इसको हटाना है उसको हटा भी देता है और प्रूफ भी नहीं देता, और डिप्लोमेसी की तो बहुत ही तारीफ करेंगे, मारता भी है, कहते हैं मोदी साहब के कितने बयान है घुस के मारेंगे, और फिर जब घुस के मार देते हैं फिर पब्लिक आती है कि भाई इन्होंने किया है, इन्होंने ही बोला था, फिर कहते हैं हाँ बोला तो था। अब इस पर आपको सुनना पड़ेगा, अब इसको इस पर आपको सुनना पड़ेगा। अभी डॉक्टर एस जयशंकर पाकिस्तान गए थे एससीओ की समिट में, ठीक है, हमने कहा था ना कि घर में घुस करके, कई बार हमने, मैंने भी कहा है घर में घुस के मारेंगे, मैंने कहा है कि घर पीओके में घुस करके भगवा झंडा लगाएंगे, जय श्री राम बोलेंगे, मैंने कहा है, मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ मैं एक्सेप्ट, और वर्चुअली नहीं कर रही हूँ, सामने आपके बैठ करके कर रही हूँ। डॉक्टर एस जयशंकर जब एससीओ की समिट में पाकिस्तान पहुंचे तो उन्होंने आपके घर में घुस करके इस्लामाबाद के एससीओ समिट में अलगाववाद, आतंकवाद और कट्टरवाद के खिलाफ बोला ना आपने 4 बजे का लाइव स्टेटमेंट उनका ब्लैकआउट करवा दिया, म्यूट करवा दिया, लेकिन उससे क्या हुआ, बाकी पूरी दुनिया तो उस स्टेटमेंट को दिखा दी, और ये भी साबित हो गया कि उस स्टेटमेंट को पाकिस्तान की सरकार ने ब्लैकआउट करवाया और म्यूट करवाया, तो इससे भी तो आपकी बुराई हुई। तो घर में घुस करके डॉक्टर एस जयशंकर ने आईना दिखा दिया ना कि आपके यहाँ समिट का एजेंडा भी तो था ना, आपके यहाँ आतंकवाद चलता है, ये तो घर में घुस के बता दिया ना। और डॉक्टर एस जयशंकर के रहने पर, डॉक्टर एस जयशंकर के प्रेजेंस की वजह से लोच ने एयरपोर्ट का इनॉग्रेशन नहीं होने दिया ना। अब आप सोचो कि वो अकेले बेचारे निहत्ते गए थे और सिर्फ उनके प्रेजेंस से लोच में इतनी ताकत आई कि लोच के लोगों ने आपके वजीर आजम और चाइना को एयरपोर्ट का इनॉग्रेशन नहीं करने दिया, उनको वर्चुअली वीडियो पर इनॉग्रेशन करना पड़ा। तो आप सोचो कि एक अकेले डॉक्टर एस जयशंकर से पीओके और ब्लोच में कितनी ताकत आई। अगर एस जयशंकर और ऐसे 5 मिनिस्टर वहां पहुंच जाएंगे तो हाफिज सईद को तो हम लोग कुत्ते की तरह घसीट करके भारत लेकर के आएंगे। तो मतलब आप मानती हैं कि ब्लोच सेपरेटिस्ट मूवमेंट के पीछे भी भारत का हाथ है? मैं ये तो नहीं मान रही, मान रही है कि हमारे आने से उन्हें सपोर्ट मिल रहा है। नहीं भारत हमने बोला क्या ब्लोच को कि चाइना और पाकिस्तान के वजीर आजम को तुम एयरपोर्ट मत इनॉग्रेशन करने दो, हमने तो नहीं बोला। हमारे प्रेजेंस से वो ताकतवर अपने आप को महसूस किया, हमारे प्रेजेंस से उसको लगा कि वो अपने विवाद को वो और भी खूबसूरत बना सकता है, हमारे प्रेजेंस से उसको ऐसा लगा कि हम वो अपनी आवाज ऊंची कर सकता है। अब कोई बोलेगा कि नाजिया बहुत अच्छी है तो मैं उसके मुंह को चाप तो नहीं दूंगी, मैं कहूंगी हाँ भाई बोलो मैं अच्छी हूँ। तो उसी तरीके से ब्लोच और पीओके के अगर जनता आवाम कह रही है कि उसको भारत में जुड़ना है तो जुड़ जाओ ना भाई, दिक्कत कहाँ है, हम तो भगवा झंडा लहराने और हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए एकदम तैयार है ब्लोच में और पीओके।
दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह नाज़िर अली खान जी का दमदार और बेबाक रिएक्शन और रिस्पॉन्स आपको काफी पसंद आया होगा और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है और इसमें आपको जानकारी मिली है तो उसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लेटेस्ट दमदार और इंटरेस्टिंग वीडियोज लाते रहें। जय हिंद, जय भारत।